यथा औसत और यथाशक्ति आप लोग सदाचार और ज्ञान विज्ञान के संपोषण और संवर्धन में सदा प्रयत्नशील रहेंगे। क्या आप प्रतिज्ञा करते हैं कि सर्व कल्याण सार्वभौमिक सामाजिक व्यवस्था के संरक्षण और उन्नयन में सदा सक्रिय रहेंगे? मैंने इसके पहले बीटेक किया है यूनिवर्सिटी ऑफ रुड़की से और एमडीआई गुड़गांव से मैनेजमेंट किया था। दोनों जगहों पे मैं किन्हीं कारणोंवश अपना कॉन्वोकेशन नहीं अटेंड कर पाया था और चूंकि यहाँ पे पीएचडी की है, मैं आरजीआईपीटी के साथ बहुत सालों से एसोसिएटेड हूँ, तो मैंने ये सोचा कि कुछ भी हो जाए मुझे ये वाला कॉन्वोकेशन अटेंड करना ही करना है। इसके अलावा मेरा एक्सपीरियंस इंडियन ऑयल में नौकरी करने का है, मैं ऑयल इंडिया में बोर्ड मेंबर रह चुका हूँ और इसमें मैं एनर्जी फील्ड में ही हूँ, गुजरात एनर्जी रिसर्च एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट का डायरेक्टर जनरल हूँ और राजीव गांधी के इंस्टीट्यूट के साथ मेरा बहुत बहुत पुराना संपर्क रहा है। आई विश ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस इंस्टीट्यूट इन द डेज टू कम। मैं यहाँ आके बहुत खुश हूँ क्योंकि ये संस्थान जब प्रस्थापित किया गया था उसी समय से मैं इनसे जुड़ा हूँ, जिसको बोलते हैं ना फाउंडिंग काउंसिल मेंबर था मैं और मैंने देखा है ये इसका प्रगति कैसा हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ के विद्यार्थी और प्राध्यापकगण दोनों मिलके इस संस्थान को बड़े कर सकते हैं और आगे ऐसा होने वाला है भविष्य में, क्योंकि जब क्रूड ऑयल ख़त्म होएगा तो अपने को क्या करना चाहिए, तो इसी बारे में मैंने मेरे भाषण में बोला कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड की रिफाइनरी बननी चाहिए और जो बायोमास होता है, जो किसान जो कचरा जलाते हैं उसके बदले
उनमें हाइड्रोजन से प्रक्रिया करके हम केमिकल्स मटेरियल्स फ्यूल बना सकते हैं। तो इसमें बहुत बड़ा स्कोप है और ये संस्थान बड़ा हो जाएगा। यहाँ अच्छा रिसर्च भी चल रहा है और मेरे ख्याल से अभी इनका नाम है राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम टेक्नोलॉजीज। हम जो पेट्रोलियम नहीं होगा तो क्या नाम करना चाहिए, तो इसीलिए मैंने ऐसा बोला कि इसका नाम राजीव गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ के उसके बदले सस्टेनेबल एनर्जी टेक्नोलॉजी ऐसा करना चाहिए। तो क्योंकि एनर्जी तो हमेशा लगने वाला है हमको और वो एनर्जी तो सस्टेनेबल निरंतर रहना चाहिए, ऐसा मैंने मैसेज दिया। और उसमें ऐसा ही मैंने बोला कि सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी ये अपना नया त्रिमूर्ति है। पहले जैसे हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते थे, अभी सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी और हाइड्रोजन एनर्जी। और इसमें हाइड्रोजन जो है उसका सबसे महत्व योगदान रहेगा, क्योंकि हाइड्रोजन से हम फ्यूल्स केमिकल्स मटेरियल बना सकते हैं। और एनर्जी के लिए कार्बन कभी नहीं वापरना चाहिए, ऐसा ही मैंने संदेश में बोला। सोलर वापरो, ये इलेक्ट्रिक ये वापरो, विंड वापरो, न्यूक्लियर वापरो, हाइड्रो वापरो, यू नो ऐसा मैंने बताया। और मेरे ख्याल से भविष्य में कार्बन डाइऑक्साइड से मिथेनॉल बनेगा, डाइमिथाइल ईथर बनेगा, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स बनेगा जैसा मीथेन और हायर हाइड्रोकार्बन्स, वो सबका उसके लिए बहुत फायदा होने वाला है अपने सोसाइटी के लिए। और हम हमारे देश में उसका अनुसंधान करेंगे तो अपने को मिडल ईस्ट और वहाँ से जहाँ से अपना क्रूड ऑयल आता है उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा मेरा मानना है। और भारत एक बलशाली देश बनेगा। और एक दूसरा मैंने संदेश ये दिया कि लेडीज़ एजुकेशन फ्री होना चाहिए, सभी लड़कियों को पीएचडी तक मुफ्त में शिक्षा देनी चाहिए। इसका फायदा देश को होगा और दो जनरेशन में, दो पीढ़ी में उसका बहुत फायदा होगा, क्योंकि लड़कियां उनका शादी का उम्र भी बढ़ जाएगा, उनको ज़्यादा बच्चे भी नहीं पैदा होंगे और वो उनका खुद का क्या बोलते हैं उसको, हस्बैंड, सोवर बोलते हैं रे, सोवर वो भी चुन सकती है। और शिक्षित, इसका मतलब ये नहीं कि सब लड़कियां पीएचडी करेगी, जिसको है वो माता पिता उसको रुकेंगे नहीं, रुकाएंगे नहीं, क्योंकि वो सरकार बोलता है तुम आओ कॉलेज में आओ हम पढ़ाएंगे, इसका बहुत बड़ा फायदा होएगा, ऐसा मेरा मानना है। मैं बहुत साल से मैं ये इसके ऊपर मैंने मेरे विचार भी दिए हैं। धन्यवाद। राजीव गांधी पेट्रोलियम इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू फोकसेस ऑन एनर्जी एंड पेट्रोलियम। नाउ टुडे वी हैड सिक्स्थ कन्वोकेशन। कन्वोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द एनी एकेडमिक इंस्टीट्यूशन वेयर वी roll out our graduates whom we nurtured for 4 years to take the responsibility for the nation, for the society, for the mankind, and these students are specially trained to take the energy transition of the country. And today we had chief guest as one of the leading chemical engineer, Professor G.D. Yadav, and some around 150 students graduated this year. And all are, I am very happy that they are taking responsibility, shoulder responsibility, which we have nurtured them over the 4 years of their training program. Thank you very much.